हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं कि डुप्लीकेट डेटा कैसे फाइंड करें, डिलीट करें, और उसको डिलीट करने से जो सेल्स ब्लैंक हो जाएंगी फिर उनको कैसे डिलीट करें ताकि वो ब्लैंक नजर ना आए, ना एक सिमेट्री बनी रहे। तो सबसे पहले डुप्लीकेट फाइंड कैसे करें, मैंने इसके लिए सिखाया था होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, अब मैं अगर देखता हूं तो मुझे इसमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज नजर आ रही है, 45 ठीक है, दो बार है, 54 दो बार है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आमतौर पर ये तो चलो फादर्स एज है, बोलो सर इसको क्यों डिलीट करो, बट किसी भी टाइप के डेटा में समटाइम मोबाइल नंबर्स हैं, कुछ हैं जो हमें पता चलना है कि डुप्लीकेट है तो हटाओ। तो मैंने नीचे से इसको डिलीट किया, अगर मैं 54 को डिलीट करता हूं तो ऊपर का 54 ठीक हो गया, ऐसे ही 45 को करता हूं तो ये भी ठीक हो गया। अब ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आ गई कि ये बीच का कॉलम ब्लैंक है। अब बोलोगे सर इसको तो मैं मैन्युअली भी कर लूंगा, कर लोगे, लेकिन अगर 1000 डेटा होगा तो फिर कैसे करोगे, तो इसलिए इसकी कमांड सीखनी जरूरी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी चीज करनी है तो पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो पॉज कर करके लिखो या कैसे भी करो, ये सबसे लास्ट में आपको जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट। इसमें से 4-5 स्टेप्स हैं, इतना इजी नहीं है ये, तो इसलिए लिखना पड़ेगा, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाओ, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट के बाद आपको जाना है गो टू स्पेशल, राइट। इसमें आप देखो बहुत सारी ऑप्शन है, इसमें से हमें ब्लैंक्स वाली क्लिक करनी है। ओके, ऐसा करने से आप देख रहे हो जो ब्लैंक्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, फाइंड एंड सिलेक्ट में गए, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल और उसमें से फिर ब्लैंक्स को क्लिक कर दिया, यहां तो हो गया। ओके करके बाद अब मुझे करना है डिलीट, तो ये सीधा डिलीट पे नहीं मारूंगा मैं, इस पे मैं डिलीट क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा डिलीट शीट रोज, इसको मुझे क्लिक करना है। जब मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो यहां पे वो जो ब्लैंक स्पेसेस थे सब खत्म और डेटा आपस में मर्ज हो गया, कंडेंस हो गया, ठीक है। तो करना क्या था याद है, पहले फाइंड एंड सिलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक्स को क्लिक करके ओके किया, और फिर डिलीट में जाके डिलीट शीट रोज, इस तरह से करने से डेटा कंडेंस हो जाता है, नहीं तो बीच बीच में ब्लैंक सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार देखो, इसके नोट्स बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा ऑफिस के अंदर काम करते वक्त बहुत काम के आने वाली चीज है ये, ठीक है। चलो, थैंक यू।